సంగారెడ్డిలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. సమితి ఏ బిఆర్ఎస్ హై భ్రష్టాచారి రాక్షసుల సమితి ఏ లోగో కే హకో కో ఖానే వాలీ హై. ఆప్ బతాయియే కేసీఆర్ నే ధర్నీ పోర్టల్ మే భ్రష్టాచార్ కియా హై కి నహీ కియా హై, కియా హై కి నహీ. गरीबों की जमीन लूटने का काम धरनी पोर्टल कर रही है कि नहीं कर रही है? आप इन दोनों को चुनाव जिताओ, हमारी सरकार बनाओ. ये जो गरीबों की जमीन हड़पने का काम केसीआर ने लिया है, हम इसको वापस भी करेंगे और इसको हम समाप्त करेंगे, और जो इसमें गड़बड़ होगा उसको हम जेल के पीछे भी डालेंगे. ये भी हम आपको बताना चाहते हैं. मित्रों, आपके ध्यान में है ना कालेश्वरम, कालेश्वरम. ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर का एटीएम है. एटीएम, जब पैसा चाहिए कार्ड डालो और भ्रष्टाचार का पैसा निकाल लो. 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, 38,000 करोड़. आज ये प्रोजेक्ट 1,20,000 करोड़ का हो गया, फिर भी पेट नहीं भरता. और आप बताओ ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट में ये ब्रिज धस गया कि नहीं धस गया? भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसको जेल के पीछे डालेंगे. ये हमको ध्यान में रखना है. इसलिए जरूरी है कि पीएम राजू को जिताओ और संगप्पा रेड्डी जी को, संगप्पा जी को जिताओ. इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी. आपको मालूम है मियापुर का लैंड स्कैम, मियापुर का लैंड स्कैम, लगभग 692 एकड़ की सरकारी जमीन को हस्तांतरित करके, गलत तरीके से हस्तांतरित करके उसमें भ्रष्टाचार हुआ है. और लगभग इसी के साथ साथ आउटर रिंग रोड जो हैदराबाद में बना ना, आउटर रिंग रोड, इसमें 1,000 करोड़ रुपए का किकबैक लिया गया, 1,000 करोड़ रुपीज का. बोलो ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालना है कि नहीं डालना है? डालना है कि डालना है बताओ? अगर डालना है तो इनको चुनाव जिताना है, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी. मित्रों, दलित बंधु अभी चर्चा कर रहे थे, हमारे पीएम राजू साहब दलित बंधु की चर्चा कर रहे थे. मैं पूछता हूं, किसी दलित बंधु को फायदा मिला क्या? मिला किसी को? मिला किसी को फायदा? कोई दलित बंधु को मिला फायदा? 30% का कमीशन, 30% कमीशन. और ये हम नहीं बोल रहे, केसीआर ने विधायक दल की बैठक में बोला है कि हमारे एमएलए दलित बंधु में पैसा नहीं दे रहे हैं और 30% का कमीशन ले रहे हैं. यही हाल हमारे इनके विधायकों का रहा है, इसी तरीके से काम यहां पर हुआ है. मित्रों, क्या यह सच्चाई नहीं है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल का बीमा यानी फसल का इंश्योरेंस कराने के लिए पैसा भेजा था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि केसीआर ने फसल बीमा योजना को रोक दिया? ऐसे लोगों को 30 तारीख को तुमने रोक देना और इन लोगों को चुनाव जिता के भेज देना, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी. मित्रों, मैं ये भी कहूंगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं 4 करोड़ लोगों को घर बना करके दिया जाए और 20 लाख से ज्यादा घर तेलंगाना में बने. प्रधानमंत्री ने सैंक्शन कर दिया, मोदी जी ने सैंक्शन कर दिया, लेकिन यहां आपके केसीआर ने उसका नाम बदल दिया, 2BHK कर दिया. और मैं आपसे पूछता हूं, किसी को मिला 2BHK का मकान? किसी को मिला 2BHK का मकान? ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग. मैं आपसे निवेदन करूंगा, बीजेपी को जिताइए, हमारे साथियों को जिताइए और फिर से विकास के काम को आगे बढ़ाइए. ये हमको ध्यान में रखना होगा. आप बताओ मोदी जी का, आपके मोबाइल पर 5G चलता है कि नहीं? चलता है कि नहीं? 5G मोदी जी का 5G चलता है. यहां भी एक 5G चलता है,
यहां कौन सा, यहां केसीआर का 5G चलता है। क्या है वो 5G? पहला है जी फॉर गरीबी, दूसरा है जी फॉर घोटाला, तीसरा है जी फॉर घपलेबाजी, चौथा है जी फॉर घूसखोरी और पांचवा है जी फॉर गुंडागर्दी। ये है 5G केसीआर का। बोलिए, ऐसे गुंडा राज को, घपलेबाज को, घूसखोरी को ऐसी सरकार चलने देनी है क्या? चलने देनी है क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, चलने देनी है क्या? नहीं चलने देनी है तो हमारे साथियों को चुनाव जिताना ये आपकी जिम्मेवारी बनेगी, ये हम आपको कहना चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं अगर आपको प्रदेश में महिलाओं का सम्मान चाहिए, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर युवाओं को अवसर देना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर भ्रष्टाचार को जड़ मूल से मिटाना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर अन्नदाताओं को ताकत देनी है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर बेरोजगारों को रोजगार देना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। मैं यहां यह भी आपसे कहना चाहूंगा कि तेलंगाना राज्य में पूरी तरीके से जो भेदभाव चल रहा है उस भेदभाव को समाप्त करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आगे गया है कि नहीं गया है? आज भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गई, 5th नंबर की इकोनॉमी, 11वें स्थान से ब्रिटेन को पछाड़ के 5th नंबर की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई। और अभी आपने इनको चुनाव जिताना और 2024 के मई में मोदी जी को फिर से लाना, 2 साल के अंदर 27-28 तक भारत 3rd नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी, 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप लोगों के पास जो मोबाइल है ना, आपके सबके पास मोबाइल है, 9 साल पहले इस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, आज आपके मोबाइल पे लिखा होता है मेड इन इंडिया। ये है अंतर। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत 3rd नंबर की मार्केट बन गया, 3rd नंबर की मार्केट। आज इस्पात में, स्टील में भारत, मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर का भारत बन गया है। मेडिसिन में, दवाई में भारत 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। हम दुनिया की